नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग सिंगल्स के लिए, जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरह से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग होगी 30 मई से लेके 6 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं, चाहे आप झगड़ा करके सिंगल हो या नो सेपरेशन में हो, किसी भी तरह से अगर आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देखते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आप जिनके लिब्रा आपके पास्ट के एनर्जी देखते हैं। जो लिब्रा सिंगल है, जो खुद को सिंगल मानते हैं, उनके पास्ट के एनर्जी देख लेते हैं क्या आते हैं। पास्ट की एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आप पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे थे। पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप अपने पर मेहनत कर रहे थे, आप खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और हो सकता है ये मेहनत आपने बहुत हफ्तों से, मतलब महीनों से कर रहे हो, और आप अपने बारे में सोच रहे थे खुद को कैसे स्टेबल बनाया जाए, खुद को नॉलेज कैसे, खुद की नॉलेज कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से अपने आप को स्टेबल बनाया जाए और दूसरे काम में खुद को इन्वॉल्व करने से अच्छा है। अगर आप पहले रिश्ते में थे, बहुत दिनों तक आपने इंतज़ार किया है किसी अच्छे रिश्ते का या फिर रिश्ते की सुधरने की, तो कुछ दिन पहले आपने पास्ट में वो सारी चीज़ों को छोड़ दिया, दे के आपने अपने काबिलियत ढूंढने लगी और आपने ये सोचा कि किस तरह से खुद को स्टेबल बनाया जाए, खुद को किस तरह से काबिल बनाया जाए। आप पैसों को समटने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए आप काम कर रहे थे। तो पास्ट में आप जो मेहनत कर रहे थे अपने पैसों के पीछे, आपने जो मेहनत किया वही दिखाई दे रहा है। रिश्तों में मुझे नहीं लगता पास्ट में आप रिश्तों के लिए कुछ सोच रहे थे, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे थे और पैसे कमाने में बिजी थे। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। लिब्रा यानी तुला राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। जो लोग सिंगल है, किसी भी तरह से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी। प्रेजेंट में आपको लगता है अभी किस्मत आपका साथ दे रहा है। आपने जो भी मेहनत किया है पास्ट में, उसका परिणाम मुझे लगता है अभी आपको मिलने वाला है। किस्मत अभी आपके साथ है, आप लक आपका साथ है। आपको लगता है प्रेजेंट में कि आपने जितना परेशानी देखना था, वो हो सकता है आप सालों से प्रॉब्लम में हो, तो 12 के 12 जो चक्र आपने सारा परिणाम आपने झेल लिया, पूरी परेशानी आपका झेलना हो गया। अभी आपको लगता है कि फिर से ये सर्कल दोबारा से आपके लाइफ में आ रहा है, और अभी जो आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि अभी ये लक आपके साथ है, अभी आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। या फिर आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत किया था, वो मेहनत अभी आपके काम आने के दिन आ रहे हैं। प्रेजेंट में आप खुद को लकी मान रहे हो किसी भी क्षेत्र में। अगर आप मेहनत करके अपने जॉब मिला है आपको, या फिर अपने किसी बिजनेस को खड़ा किया है, कुछ भी जो मेहनत आपने पिछले वक्त किए थे, वही मेहनत का परिणाम अभी आपको मिल रहा है या फिर मिलने वाला है इन दिनों। तो ये सोच के आप खुश हो, आपको ये लगेगा कि ये वक्त मेरा है और अभी जो हो रहा है ये मेरे
किस्मत के बदौलत मुझे मिल रहा है, मैंने जो मेहनत किया था उसका परिणाम मुझे मिल रहा है, ऐसा आपको लगेगा इन दिनों। अभी देखते हैं क्या, अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे तो पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ सकता है इन दिनों। फाइव ऑफ वंड्स, सीधे शब्दों में अगर कहूँ कि पास्ट से कोई आ रहा है इन दिनों, तो अभी उनके दिमाग में लड़ाई झगड़ा कंफ्लिक्ट चल रहा है, वो अभी इस वक्त आने के लिए तैयार नहीं है। इन दिनों जितना भी दिन मैंने बताया, जो वक्त मैंने बताया 30 मई से लेके 6 जून तक की जो वक्त है, इन वक्त में तो वो नहीं आ रहे हैं, वो अपने दिमाग को परेशान कर रहे हैं। खुद अगर आप रिश्ते में थे, अगर लड़ाई झगड़े के कारण आप अभी रिश्ते से दूर हो, बाहर हो, तो अभी वो इन दिनों आपके पास नहीं आएंगे, आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो पुराने बातों को याद कर रहे हैं, पुराने परेशानी को याद कर रहे हैं, और उनके दिमाग में वो लड़ाई चल रहा है, वो झगड़ा चल रहा है, जिस भी कारण से आप लोगों में सिंगल्स का सेपरेशन का वक्त आया है, तो वो सारी चीज़ों को वो याद कर रहा है। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, तो या फिर रहने वाला है, तो इन दिनों वो आपके पास से कोई भी आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या नया कोई आ सकता है आपके लाइफ में। लिब्रा यानी तुला राशि, क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है इन दिनों। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं कि नया कोई आ सकता है क्या। पेज ऑफ वंड्स, नया किसी का आने का चांसेस है, लेकिन जो भी आएगा वो दोस्ती के लिए आएगा, दोस्ती करेगा आपके साथ, आपको नया दोस्त मिल सकता है, लेकिन प्यार में आप अभी खुद को डालना नहीं चाहते हो, ना कोई आ रहा है प्यार लेके, क्योंकि आप भी दिल से बहुत टूटे हुए हो, दुखी हो, परेशान हो। दोबारा से इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है आप किसी भी रिश्ते में जाना चाहते हो, इसीलिए अगर मैं कहूँ नया किसी की आने की चांसेस है, नया कोई अगर आता भी है आपके लाइफ में, तो वो प्यार लव ये सब चीज़ों के लिए आपके लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि फ़िलहाल आप अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को अहमियत नहीं दे रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, आप पैसा कमाने में बिजी हो, आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं स्टेबल बन जाऊँगा या बन जाऊँगी तो जो अच्छा मेरे साथ होना है वो होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था। अभी आपको लगने लगा है कि यही जो वक्त है, ये वक्त अभी मेरे तरफ घुमा है, मैंने परिश्रम किया था उसके अनुसार मुझे ये फल मिल रहा है, लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए अभी आप रेडी नहीं हो। हाँ, कोई अगर दोस्ती करने आता है, बात करता है, तो आप ज़रूर करोगे, लेकिन ना कोई प्यार लेके आपके लाइफ में आ रहा है। अभी जो भी आएगा दोस्ती करने आएगा, इमैच्योर पर्सन आएगा, मैच्योरिटी के साथ नहीं आएगा। नया आने की तो चांसेस तो है, लेकिन वो जो भी होगा उनके साथ आप लव रिलेशन में जाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है वो इंसान इमैच्योर हो, इसीलिए आप अभी लव रिलेशन के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या नया कोई आ सकता है, हाँ आ सकता है, लेकिन उसके साथ लव रिलेशन होने की चांसेस नहीं है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपको प्यार का इंतजार है, जैसा मैंने कहा कि ना नया किसी का आना आप नहीं सोच रहे हो, प्यार लेके नहीं सोच रहे हो नए इंसान के साथ, लेकिन आपको प्यार का इंतज़ार है, आपके तरफ कोई प्यार का कप लेके आए, कोई आपको अपना इमोशनल पार्टनर बनाए, ये आप चाहते हो, ये होगा भी, लेकिन आपको इस वक्त उस चीज़ को थोड़ा सहज तरीके से लेना पड़ेगा, कि कोई अगर आपके लाइफ में प्यार लेके आ रहा है, तो
तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपको पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने बातों से अगर आपको धोखा मिला है, पुराने रिश्ते में परेशानी मिली है, तो अभी आप अगर सोचते हो कि उस तरह का परेशानी फिर से आएगा तो ये सही नहीं है। अगर कोई आपके लाइफ में प्यार लेके आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने लाइफ को खुशहाल बनाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।